अपने पैसे से। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो फर्स्ट इंडियन ओलंपिक के प्रेसिडेंट मोरारजी टाटा ही बने, उनको बनाया गया। इन्हीं का मामला है कि जब एक बार मजदूरों को पैसा देने का पैसा नहीं था तो उन्होंने अपनी वाइफ का जो कोहिनूर से भी बड़ा हीरा था उसको बंदी रख के सबको पेमेंट दिया और फिर उन्हीं के नाम से कैंसर हॉस्पिटल पूरी आज जो पूरे इंडिया में हर जगह बन रहा है, तो उसी डायमंड का रूप हम लोगों ने दिया है वहाँ बना करके अभी जो बनाया है। और वो तो अभी भी वो डायमंड के पाटा के पैसे से कैंसर हॉस्पिटल अठाटक का हर जगह दो काम एजुकेशन और उसके लिए टाटा स्टील पैसा देते हैं। टाटा स्टील के बारे में अभी हाल के दिनों में एक व्हाट्सएप पे आया था कि अंबानी ने इतना कमाया नंबर वन पोजिशन में, अडानी ने इतना कमाया इस पोजिशन में, नीचे था टाटा ने इतना बांटा। सही बात है, वो तो बांट नहीं। नेहरू जी सी एस आर हम लोग करते हैं तो सी एस आर का एक डिपार्टमेंट है, हमारे बीपी को 400 करोड़ को पावर है होशियार। और देखोगे गांव गांव में स्कूल खोलना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलना, आईटी सेक्टर खोलना, गरीबों को मदद करना। कोरोना में एक पैसा किसी इम्प्लॉय का नहीं काटा, दो साल तक एक तारीख को पूरा का पूरा पैसा आ जाता था। आज जो टेम्प्रेरी इम्प्लॉय थे उनका भी घर में जाके कंपनी ने पैसा पहुंचाया, एक दिन के लिए भी नहीं बैठाया। ये चार ग्रोमियों हैं 82 के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, ये विजेंद्र पाल फतेह की रवि शास्त्री टाटा स्टील ज्वाइन किए, ये हमारे ये जीआरडी का उद्घाटन हो रहा है, जीआरडी खड़े हैं, मोदी साहब एमडी थे, मट्टू साहब गाड़ी चला रहे, रतन टाटा यहाँ बैठे हैं। अब तो रतन टाटा काफी बूढ़े हो, आज इनको मैंने हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया, मैं जस्ट ज्वाइन किया था टाटा स्टील, तो मैं कॉर्पोरेट देख रहा था गेस्ट लेसन, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े पर्सनैलिटी को हाथ पकड़ के स्टेज ले गया, इनको एक मदर टेरेसा को। मेरा एकदम बचपना था, एकदम यंग थे, 19 साल के होंगे, 18 साल। अच्छा सर, उनका जो डेथ हुआ था जेनेवा में हुआ था ना, पेरिस में हुआ। ये हमारा मैं रेस्टोरेंट के हम लोग क्या क्या कब कब खोले, आपको बता दें कि मेरे स्टेडियम में हर रोज सुबह शाम 2000 से 2200 बच्चे आते हैं, और इसी में से बच्चे इंडिया खेलते हैं। और अच्छा, हर बच्चे जिन्होंने अपना करियर बनाया स्पोर्ट्स को उसको नौकरी मिल गई। आपको पता होगा दीपिका कितनी गरीब घर की बच्ची थी, उसके पता ऑटो चलाते थे, आज वो इतनी अमीर हो गई है कि पता नहीं सकता। ये बहुत मैंने टाटा स्टील की देन है। ग्रास रूट ट्रेनिंग एंड फीडर सेंटर नौ मुठी जामा डोबा वेज बोकारो, कहीं से भी बच्चे को हम लोग हर जगह से, हमारे पास 200 कोचेस हैं, वो बच्चों को सिलेक्शन करते हो, जब एक सिलेक्शन छानते जब फाइनल स्टेज में फॉरन का कोच आता है ताकि किसी के साथ चचा भतीजा ये बात नहीं आए। इसीलिए हमारे एमडी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि अगर आप मुझे मदद करेंगे तभी मैं टीएफए खोलूंगा। तो जिस तरह से एक्सेल राइट या पैलवी करके किसी को नहीं पढ़ा सकते, उसी तरह से भारत को अगर अच्छा स्टार देना है तो पैलवी करके टीएफए में हम लोग नहीं देते। यही वजह है कि गरीब गरीब घर का बच्चा भी जो अच्छा खेला आज इंडिया का स्टार बना, और यहाँ कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते हम लोग। जो तीन स्टेज होता है, पहला स्टेज लोकल कोच, दूसरा स्टेज टाटा स्टील कोच, तीसरा इंटरनेशनल कोच, वो जब सिलेक्शन करते हैं और वो किसी को नहीं जानते, वो अमेरिका से आ रहा उसको कहाँ से बोलेगा, दुबई जी पार्टी से बोले सिलेक्शन तो होता नहीं। तो ये फिर लास्ट में हम लोग ये एक्सलेंस में आते हैं, इस भीड़ से निकलने वाले इधर बच्चे हैं, ये जो बहुत सारे बच्चे हैं, ये सब मोदी साहब गंगा अभियान में पिछली बार ये सब हमारे लोकल बच्चे जो भीड़ से निकाले, हम लोगों ने दीपिका को निकाला, कोलमिका को निकाला, राहुल जैन को निकाला। ये हमारा समर कैंप है, इस बार हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम चला गया, 6000 बच्चे, 6000 उनके पेरेंट्स, बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं, उसके पेरेंट को फिट कराते हैं, योगा जोगा ब्लड डॉक्टर मेडिकल सब करते हैं, ये अपने आप में कहीं नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है किसी तरह का इवेंट में हमारे एमडी खुद दौड़ते हैं, वो 10 किलोमीटर रन करते हैं जब हम लोग जमशेदपुर रन कराते हैं। तो हम लोग के हम जैसे मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो हमसे लेकर के एमडी तक सबको स्पोर्ट्स कर रहे हैं। टाटा स्टील में अभी तक किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी करीब